breaking news. शाबाश, शाबाश। आज क्या कहना है आपका धरना प्रदर्शन के बारे में? देखिए, आज हमें दामोदर सेतु पार्क में धरना करना था, लेकिन सुबह ही पूरा पुलिस ने, प्रशासन ने दामोदर सेतु पार्क को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया। हजारों हजार वहाँ पुलिस तैनात थे और मजबूरन हमको वहाँ से यहाँ पार्टी कार्यालय पे आना पड़ा। और पार्टी कार्यालय में आने के बाद पुलिस ने पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया और ये चाहते थे किसी सूरत से हम लोग धरना ना सके, प्रदर्शन ना कर सके। लेकिन ये लोग जानते नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, माननीय नेता जी के मानने वाले लोग हैं और हम लोगों ने आज यहाँ से कूच किया और धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया और जाके हमको ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन भी हमने देने आया। लेकिन ये बात आज बिल्कुल सामने आ गई कि हमने पहले की इमरजेंसी देखी थी, आज भी जो हमने देखा इमरजेंसी से जो पहले इमरजेंसी थी उससे ज्यादा बुरे हालात आज हो गए। इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिए हैं, ये हालात कर दिए हैं। इमरजेंसी में पहली जो थी उसमें बोलने का अधिकार था, इसमें तो हमको बोलने का अधिकार नहीं, हमको धरना देने का अधिकार नहीं, हमको कहीं जाने का अधिकार नहीं। हमारे प्रजातांत्रिक जो अधिकार है उनको पूरी तरह से क्रश करके रख दिया गया है। हमको अपनी बात नहीं रखने देंगे? हमको जब भी जो उन्होंने काला कानून लागू किया है, जो इन्होंने अभी नागरिकता संशोधन बिल लेके आए हैं, हिंदुस्तान के संविधान को तार तार करने का काम किया है और ये NRC की बुनियाद है, इसी के आधार पर NRC लेके आएंगे और NRC में जो गरीब लोग हैं वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, जो गांव के लोग हैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। और ये NRC और जो है ये खालिस मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं। और अभी आपने देखा जो आसाम के अंदर जो NRC लागू किया, इसमें 20 लाख के लोग करीब बाहर निकले और इसमें 16 लाख हिंदू भाई थे। और यहाँ पर भी अब जब NRC लागू करेंगे मुसलमान कम और हिंदू भाई ज्यादा इसमें निकलेंगे और इसीलिए इन्होंने इस कानून को लाने का काम किया है। हम इसका कानून का भी विरोध करते हैं और NRC का भी विरोध करेंगे। किसी हालत में ये काला कानून उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, हमारे नेता का भी कहना है और हम सब लोगों को साथ लेके, जनता को साथ लेके इस कानून का विरोध करेंगे, मरते दम तक इसका विरोध करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज हम बरेली वासी सब लोग धरने पर आए हुए हैं, जिसमें योगी सरकार ने पूरे कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरीके से आज बिजनौर में एक CM कोर्ट में हत्या की जाती है और ये अपराध के मामले में इतना आगे हो चुकी है, जिसमें अभूतपूर्व जो कि भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक हैं वो भी अपने सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। मैं योगी सरकार से कहूँगा कि वो बैठ देने से पहले एक आईना देखे और अगर आईना नहीं देखना आता तो समाजवादी पार्टी के लोग आज उन्हें आईना दिखाने के लिए आए हैं कि आप आईना देख कर ही बैठ दिया करें। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जैसे कि इस वक्त आप करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, जानना चाहेंगे कुछ जो देश के हालात आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिए हैं, जो NRC और CAA जो एक्ट लाए हैं, ये इसके विरुद्ध ये बहुत ही गलत है और इससे एक पूरे देश में एक ज्वलनशील मुद्दा इससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। ये इन लोगों को सोच के करना चाहिए, धर्म और जात पात की राजनीति करते हैं, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए जिससे हमारे संविधान को क्षति पहुंचे।